जा, आंखें खोल और देख, देख प्रतिमा मर गई, मर गई तेरी माँ, मर गई, मर गई, मर गई रे। क्या दिदून मारेगी प्रतिमा को? क्या प्रतिमा की मौत का जिम्मेदार होगी दिदून और त्रिशा? वेल हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल नीरजा की, जिसके आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। दरअसल आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से अभी त्रिशा से ये कह चुका है कि मैं तुमसे बस शादी कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझसे प्यार की उम्मीद मत करना, क्योंकि अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। यहाँ पर त्रिशा को पता ही है कि अबीर और नीरजा का ये जो प्यार है कितना बेशुमार है, जिस वजह से त्रिशा को और भी ज्यादा जलन हो जाती है। जलन की भावना इतनी बढ़ जाती है कि त्रिशा जो है नीरजा को मारना चाहती है, इसलिए वो दिदून को हायर करती है। दिदून को बुलाती है और कहती है, ये लो ब्लैंक चेक, जितनी रकम भरनी है भरो, लेकिन नीरजा का आज चैप्टर खत्म कर दो। अब यहाँ पर दिदून उस चेक को ले लेती है और तभी अचानक से लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। बिजली कड़कती है और रोशनी में बिजली की दिखाई देता है कि ये तो प्रतिमा है। प्रतिमा ये देखकर, ये सुनकर एकदम गुस्से में है कि मेरी बेटी की जान लेने की बात कर रही हैं, अब मैं इन्हें नहीं बख्शने वाली। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि दिदून जो है प्रतिमा की जान के पीछे पड़ जाएगी। नतीजा ये होगा, जो कि नया प्रोमो हम देख रहे हैं कि प्रतिमा की लाश पड़ी है और नीरजा रो रही है। क्या नीरजा प्रतिमा के कातिलों को सजा दिला पाएगी? क्या नीरजा ये जान पाएगी कि आखिरकार प्रतिमा को किसने मारा है? क्या नीरजा की मदद अब अबीर करेगा और देगा अबीर नीरजा का साथ? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।